के बारे में, पैंडमिक के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बड़ा खराब साल निकला है सभी का। बहुत सी मौतें हो गई, बहुत से लोग कैजुअलिटीज हो गई। और कोरोना वॉरियर्स जो हैं हमारे, वो तो उनकी वजह से सब कुछ बचा हुआ है। तो मुंबई शहर में तो इतनी कैजुअलिटीज होती हैं कि समझ नहीं आती। तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे जो BMC ऑफिशियल्स हैं, दे डिड अ ग्रेट जॉब एंड टुडे वी ऑल सेफ नाउ एंड लेट्स होप वी रिमेन लाइक दैट। जी जी जी, उनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। और आज रिपब्लिक डे के दिन उनको बहुत बहुत सल्यूट। इनकी वजह से हमारा देश कुछ ऑलमोस्ट एक साल से ये लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। इनको बहुत बहुत, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन लगी जा रही है। अब देखते हैं उसका आफ्टर इफेक्ट, अगर कुछ ना हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वी हैव, आई एम वेरी प्राउड एज एन इंडियन दैट इंडिया इज वन कंट्री विच इज ब्रॉट द वैक्सीन एंड इज इवन गिविंग टू अदर कंट्री। सो वी आर, इट्स अ वेरी प्राउड डे फॉर इंडिया। बहुत बड़ी राहत की बात है और एज अ इंडियन हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में कुछ कुछ अफवाहें भी है, उन अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और सही समय पर जब आपका टर्न आएगा वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू। सर कैमरा के लिए।